अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर असद फ्रॉम आरबी लेक्चर प्लेटफॉर्म। अच्छा बच्चों, आज हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी प्रिपरेशन में, जो फाइनल प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स में, उसमें बड़ा हेल्प आउट होगा। वो क्या है जी? पेयरिंग स्कीम। कि जब हम अपने सिलेबस की टर्मिनेशन पे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपके MCQs, शार्ट आंसर्स और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमने ये चैप्टर्स को अरेंज कर लिया है 1 से लेकर 14 तक। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें जो आपको MCQs आने हैं बोर्ड में से, वो हैं जी 1। जो क्वेश्चन नंबर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसमें से आपको 1 MCQ आना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से भी आपको 1 क्वेश्चन आना है। चैप्टर नंबर 4 दी सेल, उसमें से भी आपको एक लेक्चर आना है। जो चैप्टर नंबर 4 है 5 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, उसमें से भी एक लेक्चर आना है। चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको 1 MCQ आना है। और जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से भी 1 MCQ आना है। चैप्टर नंबर 8 से भी 1 MCQ आना है। जो चैप्टर नंबर 9 है किंगडम प्लांटी, इसमें से भी 1 क्वेश्चन आना है। जो किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर, उसमें से आपको 2 MCQ आने हैं। जो बायोजेनेटिक्स है उसमें से आपको 2 आने MCQ, न्यूट्रिशन वाले में से 1 आना है, गैशियस एक्सचेंज में 1 आना है और ट्रांसपोर्ट वाले से 2 आने हैं। तो इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो ये तकरीबन आपके 17 MCQ बन जाएंगे। तो आपका जो पेपर फाइनल होगा उसमें आपको MCQ आने हैं 17। अब हम देख लेते हैं कि जो शार्ट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से चैप्टर से और कितने आने हैं। अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से हमें 1 शार्ट आंसर आएगा। जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से 1 आएगा। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 3 शार्ट आंसर्स आएंगे। जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से आपको 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 1 आएंगे। चैप्टर नंबर 6 से 1 शार्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 7 से 4 शार्ट आंसर्स आएंगे। चैप्टर नंबर 8 से 2, फिर 9 से भी 2, और जो 10 है वहाँ से 4 आएंगे, फिर 2, 4, 3 और 2। ऐसे ये तकरीबन हमारे बन जाएंगे 2, 1, 3, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 32, 33। अब इनमें से जो 33 होंगे हमने करने हैं जी 22 टोटल करने होंगे। 33 आएंगे, उसमें जो चॉइस डाल के ऐड करके वो हमारे पास 22 शार्ट आंसर्स बनेंगे। अब जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है बच्चों, वो आप में से जो गैशियस एक्सचेंज वाला चैप्टर है वहाँ से नहीं आना। जो किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर है वहाँ से आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा, वहाँ से आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं आना। जो चैप्टर नंबर 3 है एंजाइम्स वाला, वहाँ से एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं आना। अब बाकी जितने भी चैप्टर्स हमारे पास रिमेनिंग है वो 10 है, उनमें से एक एक आना है लेंथी क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं अभी कि किस चैप्टर से डिवीजन बनेगी। ये तकरीबन 10 एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर से होगी। तो देख लेते हैं बच्चों, अब जो शॉर्ट आंसर्स आते हैं हमें ग्रुपिंग में, अब जो ग्रुप 1 होगा या उसकी जो पार्टीशन है, वो जो ग्रुप 1 में जो हमें चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो कौन से है जी? 2, 3, 8, 10 और 11 चैप्टर। अब जो चैप्टर नंबर, जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें जो आने हैं शार्ट आंसर्स, वो आने हैं 1 से 4, 7, 9 और 14। अब जो ग्रुप 3 है उसमें बच्चों जो हमारे पास शार्ट क्वेश्चंस आने हैं वो चैप्टर नंबर 5 से 6 से 12 से और 13 से आने हैं। अब जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं उनमें जो आपको पता है कि उसमें हमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें जो चैप्टर की डिवीजन है वो क्या है कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 1 और 14 के पेयर से आएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा
वो चैप्टर नंबर 2 और 8वें की पेयरिंग से होगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 6 और 9 की पेयरिंग स्कीम से होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो चैप्टर नंबर 5 और 11 की पेयरिंग स्कीम से होगा। अब बच्चों जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो चैप्टर नंबर 4 और 12 की पेयरिंग स्कीम से होगा। अब हमें ये आइडिया मिल गया कि जो हमारे टोटल जो चैप्टर्स हैं उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स से कितने एमसीक्यू आने हैं। अब बच्चों जो एमसीक्यूज आने हैं वो है 17, वो हमें पता चल गया कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आने हैं। अब हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे टोटल वो होंगे 33। अब उसमें चॉइस क्या है जी, 22। अब होता क्या है कि इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चंस करने हैं, इस पोर्शन में हमारे पास हमने 8 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें से हमने 6 क्वेश्चंस करने हैं। अब होते इसमें 13 होते हैं, उसमें से हमने 8 करने हैं, 8 करने हैं। अब इसी में भी जो डिवीजन है 13 टोटल होंगे और चॉइस में हमने 8 करने हैं, इसमें टोटल बच्चों 9 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने कितने करने हैं 6। इन सब को हम ऐड कर लेंगे, 8 और 8 16 और 6 22। अब 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब ये जो पोर्शंस उसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से हमारे पास चॉइस है कि हमने 3 करने हैं। अब वो जो पहला एक्सटेंसिव क्वेश्चन होगा उसकी पेयरिंग क्या है कि पहला क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1 से और जो बी पार्ट होगा उसका वो चैप्टर नंबर 14 से आएगा। तो चूंकि हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं तो 8 के लिहाज से जो बनेगा वो होगा 24। अब 24 ये और 44 के शॉर्ट क्वेश्चंस और 17 एमसीक्यूज, ये आपका जो टोटल होगा पेपर वो कितने मार्क्स का होगा जी, 85 का। तो इस लेक्चर्स के बाद बच्चों हमें ये आइडिया हो गया है कि अगर मैंने टोटल को अचीव करना है तो किन चैप्टर्स को मैंने देखना है कि उसमें से मेरे एक्सटेंसिव भी कवर हो, किन को देखना है कि मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो और किन को देखना है कि एमसीक्यूज भी कवर हो। तो ये सारा आज के लेक्चर के बारे में था कि हमें एक क्लू सा मिल गया कि यार कौन कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे, कितने आएंगे। अब जो मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे जब साथ साथ लेक्चर्स डिलीवर करते जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, मैं बताता भी रहूँगा कि बच्चों ये प्रीवियस बोर्ड का एग्ज़ाम में आया था, ये शॉर्ट आंसर था, ये एमसीक्यू था और ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन था। तो अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।